गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द के और आज की शुरुआत हो रही है हमारी कॉफी के साथ आज चाय बनाने का मन नहीं था यू you नो know, आज कॉफी पियेंगे आज सुबह जैसे ही उठा था ना तब पता है क्या हुआ महाराज आ नहीं रहे थे आज सुबह जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं मैं जब सो के उठा था ना तब तो नहीं आ रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद करीब दो घंटे बाद आ गए थे अभी बज रहे हैं नौ बज के बीस मिनट हो रहे हैं ब्लॉग uh, अपडेट हो चुका है ठीक है मैंने यूट्यूब पर डाल दिया बस थोड़ी देर बाद मैं इसको पब्लिक कर दूंगा बारह बजे समथिंग पब्लिक हो जाएगा उससे पहले चलते हैं अपने कॉफी के लिए कॉफी के लिए सबसे पहले आपको गैस चलानी पड़ेगी और फिर ये रखना पड़ेगा आ, आ, ये रख दिया ग्रेट इसको थोड़ा गर्म होने दो फिर इसमें डाल देंगे दूध थोड़ी चीनी बस थोड़ी सी डालनी फिर डाल देंगे कॉफी पाउडर फिर इसको ऐसे उबलने देंगे हल्का सा कॉफी पाउडर यहाँ पे और हल्का सा कॉफी पाउडर जब कॉफी बन जाए दिस, इतना। और जी ये लो हमारी का मन नहीं करता आलस। और वैसे भी मम्मी ने मना किया है बाहर जाने को आप लोग बताओ आपको चाय अच्छी लगती है या कॉफी कमेंट करना कि किसको क्या मतलब कि कौन सी चीज अच्छी लगती है चाय की कॉफी कमेंट करके बताओ मेरी चाय है वैसे लेकिन कभी कभी मूड अगर बदल जाता है तो कॉफी भी अच्छी लगती है जब ठंड हो जाए और रात के नौ बजे रहो तब कॉफी अच्छी लगती है रात के बारह बजे रहो तब कॉफी अच्छी लगती है शादी में ठंड में शाद, शादियां होती है ना ठंड वाली उसमें कॉफी अच्छी लगती है और जब कहीं रोड ट्रिप पे जाए तो चाय अच्छी लगती है कोई जैसे कहीं किसी के घर पे जाए तो चाय अच्छी लगती है और फिर अपनी हाथ की तो चाय अच्छी लगती है व्लॉक आउट हो चुका है बारह बज गया एग्जैक्ट बारह बजे आउट कर दिया था मैंने हाँ मतलब लेट नाइट वाला सिस्टम थोड़ा खराब चल रहा है आ, नहीं हो पाता तो मैं इन सोच रहा हूँ कि इन 24 घंटे में कैसा टाइम ढूंढूं जिस पे मैं डाल सकूं पब्लिक कर सकूं अपने व्लॉग्स को आज कुछ ठंड वाली फीलिंग आई है मतलब घर में आज बैठा इतनी ठंड लग रही है मुझे तो मैंने इसको डाला है ऊपर अब कह रहा हूँ कि हाँ अब ठंड आई है यहाँ पे हाथ एकदम तो मतलब जम से गए मतलब बहुत एकदम तो ठंडे पड़े हैं बिल्कुल ठंडे एक बात और मैं घर पे अकेला नहीं हूँ मेरे साथ एक चीज और है वो है चूहा या चुईया, जो भी है मुझे नहीं पता जेंडर क्या है लेकिन उसने ना रात में इतना आतंक मचाया है क्या बताऊं इस एरिया में होती है कभी उस एरिया में होती है कभी इस एरिया में हो जाती है मतलब इधर आतंक मचा के रख दिया ऊपर अपना रात का तो डिनर हो गया ब्रेड एंड मैगी और यहाँ पे देखूंगा मैं पिक्चर सलमान भाई की ये फिल्म बढ़िया लगी मुझे कंसेप्ट अच्छा था काफी हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द द्लॉग्स आज डेट है सेवनटीन ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टार्ट कर रहा हूँ ये स्टार्टिंग है व्लॉग की देख सकते हो आप लोग अभी देखा ना तो ऐसा है कि आज सुबह मैं कुछ ज्यादा किया नहीं था मैं कुछ नहीं किया तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं फिर व्लॉग ही नहीं किया अब ऐसा है कि अच्छा मतलब बढ़िया लग रहा है तो अब लोग चलते हैं बाहर कहीं घूमने मतलब वैसे नहीं सिर्फ ऐसे ऐसे वाला है ये ग्यारह नंबर की बस होती है ना इसको पकड़ के हम लोग घूमने चल रहे हैं एंड जैसे कि ठंड आ गई है मैंने इसको पहनना स्टार्ट कर दिया है आज, से, आज घर में भी बहुत ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है आ, तो, देखो, वो नहीं आया, वो ये वाले गए भाई साहब भाग के ये hey. बोलते भाई मैं बहुत दिनों बाद घर के बाहर निकला दो गए घर से बाहर नहीं निकला था बस नहीं निकला था ऐसे ही यस हो भाई साहब ये बन गए हैं बहुत बड़े बड़े ताला लगा रखा ऊपर चलते हैं यहाँ से देखते ये ब्यूटीफुल चीज है और हर्ष कैसा है ठंड चल रही है कि नहीं चल रही है ठंड रही है चल रही है और चल रही है भाई पता यार इतना बढ़िया आ रहा है तू पता है इतनी लाइट में पीछे वो बैकग्राउंड फुल ब्लाक। फुल ब्लैक ब्लैक सही बता रहा हूँ फुल ब्लैक आ रहा है आई एम बैक होम और बाहर बहुत ठंड है मैं बता नहीं सकता बहुत ठंड हो रही है भाई इतनी भी ठंडी हो रही की बर्फ इंसान बाहर ऐसे कदम रखेगा और एकदम जम जाएगा नहीं ऐसा नहीं मतलब ठंड हो रही है जो हवा चल रही है आज हवा वाली ठंड है आज मेरा ये प्लान है आ, देखो मुझे ना रोटी बनाना आता है रोटियों पे घी लगाना आता है रोटियों को गोल बेलना भी आता है लेकिन जो सबसे मेन स्टेप है आटा लगाना वो कहते हैं ना आटा मारना वो नहीं आता अब पढ़ चुके हैं रोटियों के लाले तो करे तो करे क्या तो मैंने अभी यूट्यूब खोला और तुरंत डाला कि आटा कैसे गूंधते हैं एक दीदी मिली उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया फिर मैंने उनकी तरह स्टेप्स करूंगा और आज मैं आटा मारूंगा वाह वाह आटा मारते हुए क्या ही लगूंगा मैं मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया मैंने ये दो कटोरी ली है आटे की अब इसको ऐसे ऐसे करना है इसको कहते हैं इस इसका एक साइंटिफिक वर्ड होता है फिल्टर प्रोसेस हाँ फिल्टर प्रोसेस बोलते हैं और इसको ऐसे ऐसे कर दिया और एकदम अच्छी तरह हो गया है बाकी ये बचा ना ये इसको पता नहीं मम्मी क्या करती थी मैं इसको वेस्ट में डालूंगा अब जो इसके साथ होगा ना आ, हाँ वही वाला जो पानी डाल के वो करते है, दु, 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 दो बनाते हैं तो उसके लिए मेरे को तो दोनों हाथों की जरूरत है तो मैं ब्लॉग कर नहीं पाऊंगा अब पूरा डो बना के दिखाता हूँ ट्राई करूंगा कि अच्छा बने होप सो खीर ना बन जाए इसकी टास्क सो जो टास्क लिया था वो कम्पलीट हुआ मम्मी आपको एक बात बताऊ आपका ये छोरा ये छोरा है ना आटा मारना सीख गया है तो दिखाता हूँ आटा कैसा है आज बताएं तो इतनी खुशी हो रही है की टेंथ के एग्जाम में एक ऐसा बच्चा बैठा जिसको कुछ नहीं आता था और बाद में जब रिजल्ट निकलता है उसने टॉप किया होता है अब मुझे नहीं पता ये परफेक्ट है लेकिन हाँ ठीक ठाक लग रहा है देखो ना ऐसा खड़ा रखा है निकल नहीं रहा परफेक्ट ही है चाहिए। अब तक मैगी और मेरा है ना आटा मारना नहीं आता था मेरे को नहीं आता मेरे को रोटी बनाना आता है बेलना आता है गोल एकदम गोल बेल सकता हूँ मैं फुलाद कभी कुछ जैसे मेरी पतली रोटियां बनती ना वो फूल जाती एकदम गुब्बारे की तरह छोले भटूरे की तरह लेकिन जो चीज

और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ एक्चुअली कल नहीं परसों पता है ना वो टू डेज वाला पता है ना आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं कि व्लॉग अब डेली नहीं आएंगे हर दो दिन के मिला के आएंगे ऐसे लेंथ भी बढ़ जाएगी व्लॉग्स की और मेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी एडिटिंग में मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर चलिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों को शेयर कर देना और जो भी कर सको उतना कर देना आई नीड सपोर्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय right